आज है बहन की हल्दी और ये बन रहे हैं यहाँ पर गरम गरम पकोड़े। और ये पकोड़े जो हैं ये उड़द की दाल के बनाए जाते हैं, जो रात को भिगो दी जाती है और सुबह उसको पीस के बनाए जाते हैं। ये हमारे पहाड़ियों में ज़रूर बनाया जाता है, हर त्यौहार में, हर शुभ कार्य में ये पकोड़े बनाए जाते हैं। और इसमें देखिए, इसमें तिल भी लगाए जाते हैं। और ये पकोड़े बना रही है हमारी बुआ जी, जो एक्सपर्ट है इन सब चीज़ें बनाने में। और ये देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। और ये लीजिए, हो गए हमारे तैयार पकोड़े। तो चलिए हल्दी की तैयारी भी देखते हैं। और इधर आ गई हैं ये सारी बहनें और भाभियाँ वगैरह तैयार होके, अपनी नथ वत पहन के अपनी पहाड़ी सिंगार में तैयार हैं। और इधर कूटी हैं ये सुहागने हल्दी, कच्ची हल्दी को कूटा जाता है पहले। और हमारे उत्तराखंड में हल्दी के फंक्शन को बोलते हैं बाना, और इसमें हल्दी के बाण लगाए जाते हैं। ये बहुत ही नियम से बनाया जाता है और मतलब मुझे लगता है सबसे बड़ा ये जो है सेरेमनी होती है हम लोगों में, बड़ी पूजा विधि से ये पानी लगाए जाते हैं। और हल्दी में मिलाई जाती हैं चार पांच चीज़ें, चावल, हल्दी हो गया, दही हो गया और तेल हो गया, ये सब चीज़ें मिलाती हैं। और सबसे पहले पंडित जी और पांच कन्याएं जो होती हैं वो सबसे पहले बाने लगाती हैं, उसके बाद घर के सारे सदस्य लगाते हैं। और देवताओं का आह्वान करते हुए मांगल गीत गाए जाते हैं, जो उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, मांगल गीत गाए जाते हैं। और ये लगा रही हैं को तो लग चुके हैं। अब ये देखो देवर भाभी लगा रहे हैं एक दूसरे के, और सब एक दूसरे के हल्दी लगा रहे हैं अब तो सब। और भाभी लगा रही हैं सब नंदों के। Thank you.
तो मिलते हैं आपसे अब शादी में। बाय बाय।